दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जहां भारतीय न रहते हों। इन्हीं में से एक देश युगांडा भी था। दशकों पहले युगांडा में लाखों भारतीय रहा करते थे, लेकिन एक सनकी और खूंखार तानाशाह की वजह से भारतीयों को या तो युगांडा छोड़कर जाना पड़ा या फिर उन्हें देश से ही निकाल दिया गया। युगांडा के इस सनकी तानाशाह के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लग जाता है, लेकिन इंसानियत तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया हो। ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिनका मांस खाता था उनके सिरों को अपने फ्रिज में रख लेता था और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों तक करता रहा था। एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, फिर ईदी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन लोगों को पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से बनवा दिया गया, और तो और इन लाशों को ट्रक में लाद कर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई थी। तो चलिए आज जानते हैं इतिहास के उस आदमखोर तानाशाह के बारे में। कौन था ईदी अमीन? ईदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबेटे का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता हड़प लेता है। एक जमाने में ईदी अमीन युगांडा का हैवीवेट चैंपियन था। 6 फीट 4 इंच लंबे ईदी अमीन का वजन 135 किलोग्राम था। 8 साल के शासनकाल के दौरान ईदी अमीन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपनी सरकार में इतनी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया में उसे तानाशाह कातिल और न जाने क्या क्या कहा गया। हैवानियत के कारण ईदी अमीन को मैड ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। कहा तो ये भी जाता था कि उसके फ्रिज में इंसानी मांस मिलता था। एक बार अमीन अस्पताल के मुर्दाघर में गया था जहां उसके दुश्मनों के शव रखे थे। इसके बाद अमीन ने इन दुश्मनों का खून पीना शुरू कर दिया। युगांडा की काकवा जनजाति में इंसानों का खून पीने की प्रथा है। अमीन भी काकवा जनजाति से आता है। ईदी अमीन के शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रे हेनरी कयाबा ने एक किताब लिखी थी, ए स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इस किताब में उन्होंने ईदी अमीन की दरिंदगी बयां की। उन्होंने लिखा है कि एक बार अमीन अस्पताल के मुर्दाघर में गया था जहां उसके दुश्मनों के शव रखे गए थे। उसने उन शवों के साथ क्या किया ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना है कि उसने अपने दुश्मन का खून पिया, जैसा कि काकवा जनजाति में प्रथा है। अपनी किताब में कयाबा ने लिखा है कि कई बार राष्ट्रपति ने इंसानों का मांस खाया है। किताब में लिखा है कि मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जाहिर यात्रा के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि वहाँ उसे बंदर का गोश्त परोसा गया जो कि मानव की गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसे मार कर खा जाने से आप भूख से बच सकते हैं। अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमीन के समय में युगांडा में भारत के उच्चायुक्त रहे मदन सिंह ने अपनी किताब कल्चर ऑफ द स्पेलेकर में लिखा है कि अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसमें सिर्फ अमीन के एक पुराने नौकर मोजेज को ही जाने की इजाजत थी, और वो भी उसे साफ करने के लिए। एक बार अमीन की 5वीं पत्नी सारा कयोलाबा जबरदस्ती उस कमरे में चली गई। उसने देखा कि कमरे में 2 फ्रिज रखे हुए थे। जब उसने एक फ्रिज खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गई। उसमें उसके एक पूर्व प्रेमी जिज गीटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। कहते हैं कि सारा के प्रेमी की तरह अमीन ने कई और महिलाओं के प्रेमियों के सिर कटवाए थे। युगांडा की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद ईदी अमीन के सन का पहला शिकार वहां बसे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हुए। ईदी अमीन ने भारतीय मूल के लोगों को युगांडा छोड़ने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसके साथ ही एक नियम लागू कर दिया था कि देश छोड़ते समय अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस और 50 पाउंड ले जा सकते हैं। उस समय जल्दी जल्दी में लगभग 90,000 भारतीय मूल के लोगों को घर बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। युगांडा में बसने वालों में से सबसे ज्यादा संख्या में गुजरात व पंजाब के लोग थे। कई दशकों से युगांडा की संपत्ति का 20% हिस्सा एशियाई लोगों का था। इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की तरफ चले गए। बात 1896 से 1901 के बीच की है, जब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के निर्माण के लिए मजदूर के रूप में भारतीयों को युगांडा भेज दिया था। उनमें से ज्यादातर लोगों ने वहीं रहने का फैसला किया। वहां रहकर भारतीय मूल के लोगों ने चीनी, चाय और कॉफी उगाने में महारत हासिल कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सहित दूसरे कामों में धीरे धीरे वहां की अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बन गए थे। खास तौर पर युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय व्यवसाय की धाक बन गई थी। इसका दूसरा एक और पहलू भी था, जब एशियाई लोगों का वहां वर्चस्व बन गया था और स्थानीय अफ्रीकियों को लगा कि एशियाई लोग उनके अधिकारों पर कब्जा करने लगे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को ब्रिटेन से आजादी मिली और मिल्टन ओबेटे वहां के पहले प्रधानमंत्री और एडवर्ड मोटेसा को राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद ओबेटे ने मोटेसा को राष्ट्रपति पद से हटाकर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1966 में राष्ट्रपति ने अपने भरोसेमंद ईदी अमीन को सेनाध्यक्ष बनाया।
जिसके बाद में सन 1971 में ओबेटा का ही तख्ता पलटकर इदी अमीन ने सत्ता हड़प ली। अफ्रीका की काकवा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले इदी अमीन ने 7 अगस्त 1972 को एक ऐलान किया कि एशियाई लोग देश से बाहर निकल जाएं। उसने इस फरमान के साथ ही एशियाई लोगों को निकालने के साथ ही कई शर्तें भी रख दी। रातों रात लगभग 90,000 भारतीयों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। अमीन के इस फैसले से स्थानीय अफ्रीकियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इदी अमीन के अंत की कहानी, यहाँ पर अगर सीधे सीधे आपको उसके अंत की कहानी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा तो इस कहानी में है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये 1978 का साल था और तारीख थी 30 अक्टूबर। इदी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला किया जाए। साथ ही उसने अपने मित्र कर्नल गद्दाफी से मदद मांगी जो लीबिया का तानाशाह था। ये युद्ध 6 महीनों तक चला और तंजानिया की सेना बहादुरी से लड़ती रही। 10 अप्रैल 1979 का वो ऐतिहासिक दिन था जब तंजानिया की सेना ने लीबिया और युगांडा के सैनिकों को खदेड़ दिया था और कंपाला पर कब्जा कर लिया। कंपाला युगांडा की राजधानी है। हालांकि इदी अमीन इससे पहले वहां से भागने में सफल रहा और लीबिया पहुंच गया। तकरीबन 2 वर्षों तक लीबिया में कर्नल गद्दाफी के पास रहने के बाद इदी अमीन सऊदी पहुंच गया, लेकिन फिर कभी पब्लिक लाइफ में उसकी कोई खबर नहीं आई। वे सऊदी में ही छुपकर रहता था। अब तक उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी और उसको कई किस्म की बीमारी भी हो गई थी। 19 जुलाई 2003 को इदी अमीन की चौथी पत्नी नालोगो मदीना ने मीडिया को बताया कि इदी अमीन को किडनी की समस्या है और वो अपने वतन युगांडा लौटना चाहता है। इस पर तब के युगांडा प्रेसिडेंट योवेरी मुसुवनी ने ये कहा था कि जब अमीन युगांडा वापस आएगा तब उसे लोगों को उसके किए हुए पाप का जवाब देना होगा। इसके बाद किसी ने भी इस टॉपिक को दोबारा नहीं उठाया। और फिर 16 अगस्त 2003 को सऊदी अरब के जेदा में स्थित किंग फैजल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, इस आदमखोर और क्रूर तानाशाह की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।